हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने अपना दूसरा स्वेटर निकाला है। आप लोगों को याद होगा ये मेरे लिए भाभी लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो ये वाला स्वेटर पहनते हैं। हालांकि मैंने फिर 1-1.5 घंटे बाद चेंज कर लिया था, क्योंकि इसके बटन बंद नहीं हो रहे थे। इसके बटन तब भी बंद नहीं हो रहे थे और मैं गलत फहमी में थी कि इस साल बंद हो जाएंगे, भला मैं तो वही हूँ, बटन कैसे बंद होते। तो बटन बंद नहीं हुए, फिर स्वेटर मैंने चेंज कर लिया था कुछ टाइम बाद। और यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और मैं इन्हें हंसा रही हूँ, खुद भी हंस रही हूँ। ये तो बात नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती मैं ही बात करती हूँ और बात करने पे मजबूर करती हूँ, और फिर ये झूठ मूठ हंस भी देते हैं। हंसी आती नहीं है मेरी बातों पे, लेकिन दिल रख देते हैं मेरा। और अभी जो है दोपहर का टाइम है, लेकिन आप देख कर बता सकते हैं कि दोपहर का टाइम है। अगर गर्मी होती तो इस टाइम टीका टीक दोपहर ही हो रही होती और सभी अपने घर में होते, लेकिन इस टाइम जो है बिल्कुल ठंड, एकदम चिल्ड वाली ठंड हो रखी है। मैं ऊपर आई थी तन्मय की यूनिफॉर्म चेक करने के लिए कि वो सूखी है कि नहीं, तभी देखा नज़ारा अच्छा है, तो सोचा चलो फ़ोन लेकर आते हैं और आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो कमेंट करके बताना कि आपको नज़ारा कैसा लगा। पंद्रह बीस मिनट ऊपर गुजारने के बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। ये सब्जियां वगैरह मैंने जो मंगाई थी उनको थोड़ा सा सेट किया। कुछ सब्जियां साफ़ करने की होती हैं तो उनको यहाँ लेकर बैठ गई हूँ। सबसे ज़्यादा आज क्या है, पालक, सरसों, मेथी, बथुआ, ये साग बनाना है। और साग जितना टेस्टी लगता है खाने में, उतनी ही मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। साग साफ़ किया और साग साफ़ करने में लगभग आप बोल सकते हैं मुझे 1.5 से 2 घंटा लगा है। थोड़ी देर बाद फिर बच्चे भी आ गए थे और अभी जो है मैं उनके टिफ़िन वगैरह निकाल के इन्हें साफ़ करने लग रही हूँ। बच्चों के टिफ़िन साफ़ करना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, और सबसे ज़्यादा गुड्डू के टिफ़िन को साफ़ करना, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा है, फिर उसमें से रबड़ निकालो, उसको अलग से साफ़ करो, ढक्कन इतना बड़ा है, और फिर ढक्कन में क्या होता है ना, वो किनारे होते हैं उनके अंदर चिकनाई चली जाती है, उनको साफ़ करना, कई कई बार मांजना, फिर धोने के बाद चेक करना चिकनाई गई, तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो इनके टिफ़िन वगैरह साफ़ करूँगी। और मैं एक बात और बताऊँ, पता है आजकल सर्दियाँ जब से स्टार्ट हुई हैं मेरे बच्चों का खाना पीना बिल्कुल बिगड़ा पड़ा है। सुबह तो कुछ खा के ही नहीं जाते हैं, चाहे कितना भी बोल लो। हाँ, अगर ज़्यादा ही डांट दिया उनको तो वो एक आधी बाइट खा लेंगे आँखों में आंसू लाकर। और दोपहर में भी ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ टिफ़िन खा रहे हैं, घर पर आकर दोनों ही कुछ नहीं खाते हैं। कभी डांट के खिला दिया, नहीं तो मना ही करते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना। बस दोपहर में खाते होंगे टिफ़िन और रात में खाते हैं खाना, बस उसके अलावा घर पे वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो अभी इनके जो है टिफ़िन हुए थे वो साफ़ कर रही हूँ, और साथ में कुछ 2-4 बर्तन और हो गए थे तो मैंने कहा चलो उनको भी कर देते हैं। पानी भी आ रहा था, वरना मैं कई बार छोड़ भी देती हूँ, मैंने कहा चल शाम को साथ में करूँगी सारे बर्तन, तो पानी था तो मैंने कहा हाथों हाथ निपटा देते हैं, और काम में लगे रहो तो ठंड वगैरह भी नहीं लगती है। यहाँ पर जो है अभी पर्दे वगैरह मैं ठीक करने लगी हूँ, और गुड्डू की तबीयत आज थोड़ी ऐसी ढीली हो रखी है, तो वो लेटी हुई है। मैं उसको पूछ रही थी कि तू ठीक है ना, कि हाँ उसको बुखार जैसा लग रहा है, तो चेक करूँगी, अभी तो इतना नहीं लग रहा था मुझे।
ऊपर गई हूँ, ऊपर जो है तन्मय की यूनिफॉर्म है जिसको सुखाने डाला हुआ है, तो उसको चेक करने गई तो वो सूख ही गई थी, तो मैंने कहा मैं ले आती हूँ, क्योंकि सुबह में भी बारिश आ रही थी तो पता चला मेरी आँख लग गई या मैं बैठ गई, पता नहीं चला, भीग ना जाए, आजकल भीग गई तो बस फिर हो गया काम। तो तन्मय आ गया है ट्यूशन से और गुड्डू को भी देखेंगे अभी हम दोनों मिलके, वो सो गई थी तो मैंने बीच में उसको एक आधी बार ऐसे ही देख के फिर डिस्टर्ब नहीं किया, उसका फीवर भी चेक करेंगे कि है कि नहीं है। इसको आते ही लगा कि कुछ खाना है, कुछ चटर पटर, वैसी भूख नहीं लग रही है आजकल, लेकिन हाँ चिप्स कुरकुरों की भूख बराबर लग रही है बिल्कुल टाइम टाइम पे। तो इसको दिया जो इसको खाना था, चाहिए था, तो इसको देने के बाद अभी चलूँगी मैं गुड्डू के पास और चेक करते हैं गुड्डू को, देखते हैं कि तबीयत कैसी है कैसी नहीं है। और जब मैंने उसकी तबीयत देखी तो मैं चौंक गई, उसका बुखार 103 था। अभी मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, 103 बुखार देख के हैरानी हुई मुझे, कितना बुखार हो रखा है इसको। जब आई थी स्कूल से तब देखा तब नहीं था, लेकिन अभी जब चेक किया तो 103 से भी ऊपर जा रहा था इसका फीवर। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए, और ये लाल हुई पड़ी थी, जो होता है ना बुखार में लाल हो जाते हैं बिल्कुल, बढ़ता जा रहा था बढ़ता जा रहा था, 103 से ऊपर जाके रुका है वो। तो अभी इसको मैं दवाई वगैरह दूंगी, और दवाई में ये नखरे नहीं करती है, सबसे अच्छी बात ये है, दोनों ही बच्चे टैबलेट वगैरह ले लेते हैं आराम से, क्योंकि बच्चे करते हैं गोली खाने में बहुत ज़्यादा नखरे। तो मैं चीनी का डब्बा भी लाई थी साथ में, मैंने कहा उसको अगर फंस गई या अटक गई तो मैं मीठा दे दूंगी उसको। तो यहाँ मैं उसको प्यार कर रही थी और उसको मैं कह रही थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पुच्ची दे दो, फीस दे दो मुझे। उसके बाद मैं इस रूम में आई और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह हैं जिनको मुझे सेट करना है। सर्दियों में जो है अलमारी पूरी भरी हुई हो रही है, इधर जैकेट, इधर स्वेटर, इधर शॉल, इधर सूट, इधर गर्म कपड़े, बहुत ज़्यादा भरी भरी सी हो रही थी। तो मैंने कहा चलो ये जो कुछ वैसे कपड़े हैं जो हम कभी कभी पहनते हैं साल 6 महीने में या 4-5 महीने में, उनको हटा देते हैं। तो ये बैग निकाला था, इसमें रख दूंगी ये गाउन, ये नायरा कट वाला ड्रेस जो है वो, तो इसमें क्या होगा अभी पहननी भी नहीं है, जब पहननी होगी इसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि आजकल अलमारी बहुत ही ऊनी कपड़ों से, सर्दी के कपड़ों से भरी भरी सी हो रखी है। मुझे लगता है आप लोगों की अलमारी का भी यही हाल हो रहा होगा। ये गुड्डू की गाउन है जो उसने जागरण में पहनी थी, किसी दिन मैं ट्राई करूँगी इसको, क्योंकि ये एल साइज़ में थी, हमने उसके साइज़ की ये कराई थी, तो इसकी ना हमने सिलाई खोल दी है, तो शायद ये मुझे आ जाए। आ गई तो आप लोग मुझे पहने हुए देखोगे, नहीं आई तो फिर गुड्डू ही पहनेगी या फिर मुझे पतला होना पड़ेगा। मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ पहले से, आजकल कुछ कर जो नहीं रही हूँ इस वजह से भी। अभी जो है थोड़ी सी अलमारी सेट की है, सर्दियों में अलमारी की हालत बहुत ही गंदे वाली होती है, तो मेरे सफेद बाल बुढ़ापे को भी छुपाना है अपने। तो अभी तो बैठी हूँ, देर पहले चने की दाल भिगो दी है, मैं बनाऊंगी चने उड़द, नहीं चने की, और क्या है, लौकी, लौकी चने की दाल बनेगी आज हमारे घर में, सिंपल खाना। साग मैंने साफ कर दिया है, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, अब इतने से साग के साथ साग नहीं बनाऊंगी, तो वो कल बनेगा। सुबह में एक एक गड्डी और मंगाऊंगी पालक सरसों की, फिर कल बनाऊंगी, इसीलिए वो मैंने साफ करके रख दी है चारों चीजें। अभी जो है देखते हैं क्या होता है, गुड्डू का देखते हैं अभी रसोई थोड़ा। में दोबारा से आने का टाइम हो गया है, मतलब कि शाम का खाना बनाना है। जैसे कि मैंने बताया था लौकी चने की दाल बना रही हूँ, चने की दाल को पहले ही भिगो दिया था 2 घंटे पहले, और यहाँ पे कुछ लहसुन है जिनको मैंने छील के रखा था, जो कि 2-3 दिन काम में आ जाएंगे, तो इनको मैं इस तरह से बंद करके रख देती हूँ। और ज़्यादा भी छील के रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए या 4 दिन के लिए, मैं 1-2 दिन के लिए ही छील के रखती हूँ। तो लौकी कट कर लूँगी और इसको छील लूँगी, बनाऊँगी लौकी को आज, और देखते हैं बच्चों का कैसा रिएक्शन रहता है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। लौकी तोरी ही ऐसी चीज़ है जो आज तक बहुत सारे बड़े लोग भी नहीं पसंद करते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, पर बच्चों की वजह से बहुत कम बनती है घर में। आप सभी लोगों के घर का भी यही हाल होगा, कुछ ना कुछ चीज़ होगी ऐसी जो बच्चों को ना पसंद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे सब कुछ खा लें, अगर ऐसा हो जाए फिर तो बढ़िया ही है। सब कुछ तो हम भी नहीं खाते हैं, कुछ चीज़ें तो हम बड़े भी होती हैं जो नहीं खाते हैं,
तो सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं, सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो यहाँ पे मसाले वगैरह डाल दिए थे, बॉईल होने के लिए रख रही हूँ लौकी चने की दाल को। मसाले मतलब हल्दी और नमक डाला है बस, और उसके बाद ढक्कन लगा दिया, उसको बॉईल होने रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, आज बहुत सारी सब्जियाँ आई हैं घर में, तो उस टाइम प्याज आलू साग वगैरह साफ़ करके रख दिया था। अभी जो है धनिया है, हरी मिर्च है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी छांट के रख लेते हैं, सही रहता है। आप सब्जी बनाओ, बस उसमें निकालो और धो और काट के डाल दो। हरी मिर्च भी छांट के रखी हुई हो तो वो भी निकालो, काटो और डाल दो। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च और धनिया को जो है इस तरीके से रख दूँगी। टिश्यू पेपर नहीं है, वरना मैं इसे टिश्यू पेपर से कवर कर देती हूँ तो ज़्यादा दिन चलता है। बाकी शायद हो सकता है आपका रखने का तरीका अलग हो। तो यहाँ पे तड़के की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है। लहसुन ले लिया है, प्याज और हरी मिर्च। तो मैं छौंकने लग रही हूँ लौकी चने की दाल को, जो कि हमारे घर में बहुत दिनों बाद बन रही है। उसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद मैं तड़का लगा रही हूँ कुकर में ही, और फिर एक सीटी और लगाऊंगी। और टेस्टी बनता है इस तरह से। मैंने डाल लिया है इसमें हींग, जीरा, हल्दी, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था। सिंपल सा तड़का लगा लूंगी सरसों के तेल से। और ये सारी चीजें काट के रखी हुई है, ये डाल देते हैं। और बच्चों को बोल दिया है कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यही खाना पड़ेगा जो बन रहा है। जब तक तुम टेस्ट नहीं करोगे तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या टेस्ट है इसका। तो वो फिर वो कह रहे ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंदर आ गई हूँ, सब्जी छौंक के, छौंक के क्या मतलब, उसमें सीटी नहीं लगानी है, वो बॉयल हुई हुई है। बस हल्की सी कुकर में बंद करके आई हूँ, अभी 2 मिनट बाद गैस बंद कराऊंगी। और आज मैं पूरी पिंक पिंक बनी हुई हूँ, आप भी करोगे? अरे वाह, आज तो रश्मि पूरी पिंक पिंक बनी हुई है, डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं है आज, इसमें ब्लैक ब्लैक आ रहा है। बस टॉपी पहन ली क्योंकि आज यहाँ बहुत ठंड हो रही है, तो मेरा शॉल का मन नहीं था, थोड़ा भारी भारी लगता है कंधे पे, फिर स्वेटर भी है, तो मैंने कहा चलो कैप लगाती हूँ। तो फिर मुझे ये दिख गई सबसे ऊपर चारों कैप में, तो मैंने कहा ये लगाते हैं, मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। आज आप लोग कमेंट तो करेंगे, चलो शुक्र है। हाँ, इस चीज़ से एक चीज़ और याद आई, अभी जब मैं घर से आई थी उन वाले व्लॉग पे कमेंट था कि रश्मि ये कपड़े ले लो अपने लिए, और यही कपड़े तुम रिपीट करते रहते हो। तो यार मुझे लगता है हर औरत कपड़े, हर औरत नहीं, हर इंसान कपड़े रिपीट करता ही है, और मैं तो कोई वो नहीं हूँ, मैं तो करूँगी करूँगी। मैं अब से 4 साल जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब की भी मेरे पास चीज़ें हैं, जब व्लॉग भी नहीं था तब की भी चीज़ें हैं। हाँ, कपड़ा कई बार होता है ना, कोई कपड़ा तो मन में बसा होता है, हम उसे वो रिटायर करना ही नहीं चाहते। और कभी कभी ऐसा होता है कि यार अभी ये ठीक चल रहा है तो क्यों करना। और सर्दियों के कपड़े मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मतलब जैसे सूट वगैरह ज़्यादा बनवाती नहीं हूँ, तो वही 2-3 सूट हैं सर्दियों के, उन्हीं में दिखूंगी। एक नया रखा है वो भी आज देखा, इस स्वेटर को निकालते हुए पिछले पिछले साल का, तो वो देख रही थी, मैंने कहा पर अभी नहीं पहनती घर में। तो चलो अभी जो है वेट करते हैं, सीटी का सुरसुर की आवाज़ आ रही होगी ना, तो मैं देखती हूँ, बंद ही कराती हूँ उसको। विपिन के आने में टाइम है, और गुड्डू की तबीयत पहले से दवाई देने के बाद बेहतर है, मतलब गाड़ी में बैठ के फोन पे बातें हो रही हैं और अंदर नहीं आए, इतनी देर हो गई। चलो कोई नहीं, आता ना फोन आओगे तो बात कर लो। किसका फोन है भाई, क्या बात है, पिछले 5 मिनट से आप गाड़ी में बैठ के बात कर रहे हो। नहीं वैसे 2 मिनट 4 सेकंड हुए। 2 मिनट 4 सेकंड हुए, गुड्डू आई है, उसने गेट खोला है, उससे पहले तो सुशील भाई लड़ाना है। मुझे नहीं पता ना, मतलब ऐसे फिर वही वाली बात है, फिर बोलते हो मेरे को छेड़ती है, ऐसी क्या बात, गाड़ी से निकल के भी बंदा बात कर सकता है। अब ऐसे फोन आ गया, मैं किचन में ही खड़ी हूँ, मैं आ ही नहीं रही है, तुम भी तो कहोगे ना क्या बात है। हाँ, पता नहीं किससे बात कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। हैं मुझे भी, अच्छा तो करूंगी नहीं भाई, मैं वहां से पर्दे हटा के देख रही हूँ कमरे से, मैंने कहा यार आई नहीं रहे, आई नहीं रहे, फोन पे बात करे जा रहे हैं, अब आएंगे, तुम चुप हो। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, इधर मत दिखा, दवाई खाइए ना, जाओ जाओ, नहीं दिखा रही हूँ। आज ही लौकी खाएगी, लौकी लौकी खाएगा, चने की दाल और लौकी। गुड्डू बेटा, फिर मैं आलू बिल्कुल बंद कर दूंगी, हैं?
सब्जी बन चुकी है और मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और दिखाती हूँ आपको, बनाई है लौकी चने की दाल। बार बार मेरे मुंह से वो निकल रहा है, चने उड़द की दाल, घिया चने की दाल बनाई है, घिया चने की दाल मैश एकदम करके बढ़िया। अब देखो देखने में तो अच्छी लग रही है, खा के बताएंगे अभी ये लोग कैसी बनी है। मैंने पहले ही कह दिया भाई आज तुम्हें सारी चीजें टेस्ट करनी है। क्यों? जब तुम अब जब ये कटहल और अरबी इन्हें चखी तभी तो इन्हें पसंद आई। ये चीजें जब तुम चखोगे तुम्हें पसंद कैसे आएगी? दाल भी डाली है उसमें, ऐसा तो है नहीं कि दाल नहीं डाली। दाल वाली तो बहुत टेस्टी होती है यार। और पता नहीं मैंने बोल दिया। चलो मैं रोटी बना लेती हूँ, तुम देना इसको खिलाना, दोपहर में भी नहीं खाई इसने। दोबारा से अगर होने रख दी थी नहीं कब हो जाएगी। गैस का बहुत इस्तेमाल नहीं हो रहा आजकल तो ही रहा है, पर देखो नहीं केक। अगर ये बोल गई ना गैस भाई साहब तो मुझे कितनी सुनने को मिलेगी। क्या कहने वाला था मैं? कुछ तो कहने वाले थे आपके मुंह में आई थी बात, आपने पता नहीं कहाँ कर दी। तुमने कहाँ गायब करवा दी, जल्दी याद करो मेरे को कुछ कुछ हो जाएगा। भाई बात बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं आज बच्चों को रोटी खिलाने के चक्कर में ना, क्योंकि मैंने बनाई थी लौकी तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। चलो मिल गई, कर लिया। बच्चों को नहीं पसंद आई बहुत, उससे उनको रोटी खिलानी पड़ी है। और यहाँ पे मैं जो है स्लैब गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, और यहाँ पे जो आटा होता है ना रोटी बनाते हुए उसको मैं गीले हाथ से पोंछ लेती हूँ, सही रहता है। एक तो वो कपड़े में नहीं चिपकता है क्योंकि आटा है, चिपक जाता है फिर हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, हट जाता है लेकिन टाइम लगता है। तो गीले हाथों से पोंछिए, उसके बाद गीला कपड़ा मारिए, गैस वैस साफ़ की, उसके बाद टाइम आ गया है अभी रात में दूध पीने का। तो ये काम है हमारे हस्बैंड जी का, तो वो आ गए हैं अपना फ़र्ज निभाने के लिए। उनको बुलाना पड़ता है, आते नहीं है वो। शक्कर वाला दूध है, बहुत बढ़िया लगता है, बढ़िया एकदम मज़ेदार। कोई बॉर्नविटा कोई हॉर्लिक्स पीने की ज़रूरत नहीं है, गुड़ शक्कर का दूध पीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट।